आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पांचवी बार जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है, किस प्रकार से बड़ी चुनौती की अगर बात कर ली जाए तो पार्टी में गुटबाजी बहुत हावी रहती है, उसको किस प्रकार से खत्म? जनपद में एक पूर्व मंत्री जी हैं, उनकी बेटी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं फरुखाबाद की। नमस्कार। राम मंदिर का जो मुद्दा है और जीरो पर ही विधायक जी, ये काम जो होता है वो हर चीज मैं खुद नहीं बता सकता। तो पानी पी रहे हैं क्योंकि अपना खरीद के पी रहे हैं, महिला यहाँ पर परेशान है। बीजेपी की सरकार हो गई, सुबह ही कपड़ा मान्य है और काले कपड़े पहन के हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फरुखाबाद सहित 17 जनपदों के जिलाध्यक्ष के नाम जो हैं घोषित कर दिए गए। फरुखाबाद की ही अगर बात कर लें तो फरुखाबाद में जो जिला कार्यकारिणी काफ़ी दिनों से निष्क्रिय थी, उसी के साथ आज फरुखाबाद में पांच बार जिलाध्यक्ष रहे श्री चंद्रपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष पुनः बनाया गया। उन्हीं से बात करते हैं किस प्रकार से पार्टी को आगे ले जाएंगे और क्या क्या रणनीति हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार जी। सर, आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पांचवी बार जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है, किस प्रकार से जनपद में पार्टी का जो आगाज बढ़ाएंगे आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पुराने जितने मेरे साथी हैं 2012 से पहले जो मेरे साथ रहे हैं और फिर साथ आए हैं, उन सबको साथ लेकर के निकाय चुनाव में विजय हासिल करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती की अगर बात कर ली जाए तो पार्टी में गुटबाजी बहुत हावी रहती है, उसको किस प्रकार से ख़त्म करने क्या प्लान है आपके पास? 2012 से पहले पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं थी और उसी तरह से सभी लोगों को इकट्ठा करके सभी लोगों को साथ लेकर के और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो 2012 से पहले जिस तरह से सभी निकाय चुनाव जीते थे, ब्लॉक प्रमुख जीते थे, चारों विधानसभा सीटें जीती थी, अगर गुटबाजी होती तो ये नहीं जीत पाती। इस तरह पुनः जीतने के लिए गुटबाजी को ख़त्म करेंगे, सबके घर घर जाएंगे, सबको मनाएंगे, बैठे हुए को उठा करके पुनः लगाएंगे पार्टी कार्यों के लिए। जनपद में एक पूर्व मंत्री जी हैं, उनकी बेटी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं फरुखाबाद की और भाजपा के सहयोग से बनी हैं, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं और जबकि अभी तक उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, क्या उनको वापस पार्टी में समाजवादी पार्टी में लाने का कोई भरकस प्रयास किया जाएगा या उसका कोई प्लान सोचा है आपने? हम सदैव प्रयास ये करते रहे कि गुटबाजी खत्म हो और पुनः प्रयास करेंगे गुटबाजी खत्म करके सब पार्टी को फिर इकट्ठा करके पूरी ताकत दें पार्टी को और निकाय चुनाव में विजय बना। निकाय चुनाव में क्या लग रहा है किस प्रकार से जीत हासिल होगी? जब संगठन में मजबूती आएगी, गुटबाजी खत्म होगी तो निकाय चुनाव निश्चित रूप से हम से लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फरुखाबाद के समाजवादी पार्टी से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री चंद्रपाल यादव जी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और आने वाले निकाय चुनाव में जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन अभय ठाकुर के साथ मैं पंकज प्रकाश, पीपीएफ लाइव।